हमीरपुर के जंगल में फेंके सरकारी चावल से भरे 24 बोरी मिली, जिन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो लगी थी। जैसे ही मामला भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने केंद्रीय कपड़ा वाणिज्य और उद्योग खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा। पत्र में अविनाश राय खन्ना ने मंत्री पीयूष गोयल से अनुरोध किया है कि इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए। अविनाश राय खन्ना का कहना है कि इस मामले में गड़बड़ी झलकती है कि इस तरह से जंगल में सरकारी राशन को खुले में फेंकने से खाद्य आपूर्ति विभाग और राज्य निगरानी आपूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली कटघरे में आती है। उनका कहना है कि इस राशन डिपो में कितना स्टॉक जारी हुआ और कितनी खपत हुई, इसकी हर महीने जांच की जिम्मेवारी निगम और विभाग दोनों पर होती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर भोरंज के जंगल में ये राशन कौन फेंक के गया। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी ने खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को एक पत्र लिखा है कि जो हमीरपुर के अंदर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी के फोटो सहित 24 बैग राशन के जो जंगल में फेंके हुए मिले, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने मंत्री जी से आग्रह किया कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये किसने फेंके हुए हैं। अगर किसी को अगर मान्य प्रधानमंत्री जी के फोटो के ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन था तो किसी गरीब आदमी को बोरे दे दिए जाते राशन के, जो प्रदेश के अंदर या देश के अंदर हजारों लोग जिनको राशन की कमी होती है, जो दर दर भड़कते हैं या भीख मांगते हैं, उनको दे दिए जाते तो उनका अपना पेट भरते। तो ऐसे अन्न को जंगल में फेंकना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं अविनाश राय खन्ना जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि इसका इंक्वायरी की जाए और जो दोषी हैं उनको उचित कार्रवाई की जाए और उनको सजा दी जाए कि उन्होंने ऐसा कार्य, दुर्भाग्यपूर्ण कार्य क्यों किया है।